सीट पर इंडिया गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहा है। मैं चुनाव से ही आज लौटा हूँ, तीन जगह तो मैं कम से कम होके आया हूँ और तीनों जगह इंडिया गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फॉर्मेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और साथ ही झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दावा किया है कि बिहार के चारों सीट और झारखंड में 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से झारखंड और बिहार की जनता त्रस्त है, इसलिए झारखंड में 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत होने जा रही है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का, सबसे पहले आप उनका बयान सुनो। प्रोफेसर इम्तियाज साहब पर और दिल्ली विश्वविद्यालय के हम लोगों के मित्र प्रोफेसर रतन लाल जी पर, वो आके आपको कहें, मैं केवल फिर से इनका स्वागत करते हुए आप सभी की तरफ से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, टीका खान जी और इनके साथियों को फिर से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने आज यहाँ इनकी जयंती आयोजित करके इनके व्यक्तित्व के विलक्षणताओं पर हम लोगों को गौर करने का मौका दिया। और मैं ये मानता हूँ कि जो समाज अपने पुरखों को याद नहीं करता उसकी प्रगति नहीं हो सकती, इसलिए इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं प्रोफेसर इम्तियाज साहब को और दिल्ली विश्वविद्यालय से यहाँ पहुंचे प्रोफेसर रतन लाल जी का इस सभागार में हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग इम्तियाज साहब को और रतन लाल जी को इसलिए आमंत्रित किए थे, ये उनके जीवन वृत्ति के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में एक सार्थक चर्चा कांग्रेस जनों से साझा करें। हम लोगों का रोल आज भी बड़ा नहीं है और हम धन्यवाद देते हैं माननीय डिपार्टमेंट को, टीका खान को, जिन्होंने ये जयंती समारोह आयोजित करने का काम किया। हम सभी जानते हैं मौलाना आजाद, नेहरू जी, गांधी जी को और पटेल साहब को छोड़ दीजिए तो इनसे बड़ा इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के दिनों में इनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। और कांग्रेस के लिए मैं ये कहूंगा कि ये महात्मा गांधी से भी पहले 1923 में 35 साल की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, उसके बाद महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष। तो कितनी बड़ी इनकी शख्सियत रही होगी, कितना बड़ा व्यक्तित्व था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और हिंदू हिंद इस्लामिक वर्ल्ड में जितना बड़ा पैरोकारी इनका था उतना शायद किसी शख्सियत का नहीं है। और पूरे अरब वर्ल्ड में भी जब कभी कोई स्थिति ऐसी बनती थी जहां विरोधाभास होता था तो वहां आजाद साहब को बुलाया जाता था कि इस कंट्रोवर्सी को कैसे समाप्त किया जाए। बाद में भी 1923 के बाद 1940 से 45 तक के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और इस देश की आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री बने। महात्मा गांधी के ही शब्दों में एक जगह मैं कहीं देख रहा था तो प्लूटो और एरिस्टो के बाद गांधी जी सबसे बड़ा दार्शनिक उनको मानते, जीवन का दर्शन उनसे सीखते थे। मतलब हम लोग तो विरोधी दल के रूप में काम कर रहे हैं इस देश में, पिछले 11 साल से वही प्रधानमंत्री हैं और अगर ऐसा सब कुछ सचमुच कांग्रेस पार्टी कर रही है या कोई और कर रहा है तो उनके साथ इतनी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, CBI, ED, इनकम टैक्स, सबको करके उनको बंद करवाना चाहिए। देश के साथ अगर कोई धोखाधड़ी करता हो तो कांग्रेस पार्टी तो कभी मना नहीं करेगी उसको बंद करने में, लेकिन उनसे बड़ा झूठा तो कोई पैदा नहीं हुआ।
इतनी महंगाई बढ़ी है, उनकी नीतियों के कारण आज बेरोजगारी में हम जो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान से भी बेरोजगारी दर में हम आगे चले गए, तो उनको अपनी तरफ देखना चाहिए और अपनी नीतियों पर फिर से रिव्यू करना, करेक्टिव मेजर लेना। सुधाकर जी का बयान तो क्या कहेंगे आप, उन्होंने कहा है कि हम लाठी मारेंगे अगर भाजपा वालों को और विधायक की। आज मौलाना आजाद साहब की 136वीं जयंती है, उन्हीं पर क्वेश्चन पूछिए तो ठीक है, बाकी ये सब चलते रहता है चुनाव में। ठीक है भाई, चार सीटों पर जो उपचुनाव, चारों सीट पर इंडिया गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीतने जा रहा है। मैं चुनाव से ही आज लौटा हूँ, तीन जगह तो मैं कम से कम होके आया हूँ और तीनों जगह इंडिया गठबंधन भारी अंतर से चुनाव जीतेगा। ठीक है, धन्यवाद। झारखंड में 2/3 बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, फिर से हेमंत जी वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस के साथ सरकार बनेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। तो अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार के चारों सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन चारों सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया है कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 2/3 बहुमत के साथ हम झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उन चारों सीटों पर हम दौरा कर अभी आए हैं, उन चारों सीटों का भ्रमण किए हैं, चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने झारखंड को लेकर भी कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार से झारखंड की जनता त्रस्त है, इसलिए 2/3 बहुमत के साथ एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है। और भी क्या कुछ कहना था कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का, आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें इस इन्फॉर्मेशन के साथ।